ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पे मैंने वायर निकाल रखा है। ठीक है, तो अभी मैं इसको लगा दूंगा तो वो जो बिलिंग का सिस्टम है वो बंद हो जाएगा और ड्रेनिंग का सिस्टम शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो गाड़ी है टाटा की सफारी है ओल्ड, और इसमें प्रॉब्लम है बैटरी ड्रेन करने का। तो ये गाड़ी बहुत ज़्यादा जो बैटरी ड्रेन कर देती है, 3 से 4 दिन गाड़ी खड़ी हो जाए और इसमें अगर हम दोबारा से इग्निशन ऑन ना करें तो गाड़ी बैटरी ऑटोमेटिक इसकी डेड हो जाती है। ठीक है, तो आज उसी प्रॉब्लम पे आज हम काम करेंगे। तो आज हमारे पास कोई स्कैनर वगैरह नहीं है तो हम विदाउट स्कैनर जो हम काम करेंगे, और हमें केवल चाहिए एक टेस्टिंग लाइट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ गाड़ी हमारी स्टार्ट वगैरह सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इग्निशन वगैरह सारा कुछ है और स्टार्ट भी हमारी गाड़ी एकदम परफेक्टली है। ठीक है, गाड़ी हमारी परफेक्ट स्टार्ट है और गाड़ी में कोई लाइट वगैरह शुरू नहीं हो रही है। तो आज हम इस पर हम काम करेंगे और शुरुआत हम करेंगे इसके बैटरी के पास जाके, इसके बीच फ्यूज बॉक्स से, और चेक करेंगे बैटरी ड्रेन चेक कैसे करते हैं कि हमारी गाड़ी जो है बैटरी ड्रेन कर रही है या फिर करंट ड्रेन कर रही है। तो कोई ऐसा कंपोनेंट इसका जो है वो इग्निशन ऑफ होने के बाद ऑफ नहीं हो पा रहा है, तो आज हम चेक करेंगे। इसमें सेंटर लॉक भी है हमारा जो बाहर से लगा हुआ है, उसको भी हम एक बार हम देखेंगे। ठीक है, सेंटर लॉक भी एकदम वर्किंग कंडीशन में है। तो अभी हम चलते हैं इंजन रूम में, वहाँ चेक करेंगे बैटरी ड्रेन किस तरीके से चेक कर सकते हैं हम। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं इंजन रूम में, और अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये बैटरी का कोई भी एक वायर जो है निकाल लेना है। ठीक है, तो अभी हमने इसका जो वायर है वो अलग कर लिया, और भी हमें चाहिए होगी इसकी टेस्टिंग लाइट जिस तरीके की आपके पास होनी चाहिए, कोई सी भी जिसका एक जो टर्मिनल है वो हम लगा देंगे ग्राउंड। ठीक है, और एक जो टर्मिनल है वो हम लगा देंगे इसमें। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है, साफ दिख रहा है अभी हमें इसका जो वोल्टेज है कितना है, यानी कि इतना इसका करंट है बैटरी ड्रेनिंग करने के लिए बहुत काफ़ी होता है क्योंकि। तो अभी इसके हम काम करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभी हमारे पास यहाँ पर दिख रहा है आपको सेंटर लॉक का जो फ्यूज है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था अभी इसमें सेंटर लॉक जो लगा हुआ है, तो इसका एक बार हम फ्यूज निकाल देते हैं जिससे हमें पता लग जाएगा सेंटर लॉक का प्रॉब्लम है या नहीं। ठीक है, तभी हमने फ्यूज निकाला, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस पर। ठीक है, तो हम इसको वापस लगा देंगे। तो अभी क्या करने वाले हैं, अभी हम इसका फ्यूज निकालते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक स्टेप बाय स्टेप इसके सारे फ्यूज जो है निकाल के चेक कर लेंगे, जिससे अगर जिस किसी फ्यूज से अगर ये बत्ती बंद होती है तो हम उसी फ्यूज पे हम काम करेंगे। तो एक करके हम सारे फ्यूज इसके चेक कर रहे हैं, उसके बाद हम अंदर जाके फ्यूज चेक करेंगे इसके। तो यहाँ पर अभी कोई भी फ्यूज निकालने से यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो लगभग सारे फ्यूज जो हैं ओके हैं। तो अभी हम चलेंगे अंदर और अंदर से देखेंगे इसका कोई फ्यूज है, किसकी वजह से जो इसका जो लाइट है वो बंद हो रही है। ठीक है, तो अभी हम अंदर वाली फ्यूज बॉक्स चलते हैं। इसका जो अंदर वाला फ्यूज है, फ्यूज बॉक्स है वो इधर है,
और यहाँ पे हम एक बार इसका जो सारे फ्यूज बॉक्स का लोकेशन लिखा हुआ है यहाँ पे क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ टर्न इंडिकेटर रिवर्स स्टॉप, यहाँ पे जितने भी फ्यूज के जितने भी सिस्टम के फ्यूज हैं वो सारे लगे हुए हैं। तो अभी हम यहाँ पे सारे फ्यूज चेक करते हैं करके दोबारा से, ठीक है। जैसा कि अब आप देख सकते हैं यहाँ से हमें लाइट दिख रही है। तो अभी हम इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसी तरीके से मैं सारे फ्यूज जो चेक कर लेंगे। तो मैंने एक बार इसके जो फ्यूज है सारे चेक कर लिए, तो मैं प्रॉब्लम जो है फाइंड आउट कर चुका हूँ। तो मैं आपको डायरेक्ट फोर्ड जो यहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ लेके चलता हूँ, ठीक है। तो अक्सर गाड़ियों में प्रॉब्लम आती है इसके जो रेडियो या हमारे जो बेस ट्यूब जो लगाते हैं लोग बाग, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है। तो हम इसका एक बार रेडियो सिस्टम बाहर निकाल लेते हैं। एक बार मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ, उसके बाद जो प्रॉब्लम बता देता हूँ आपको। तो इसका जो म्यूजिक सिस्टम है वो अभी मैंने निकाल लिया है, और इसका एक बार हम सॉकेट जो है इसका निकालते हैं और फिर देखते हैं इसका जो लाइट अभी भी शो हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं क्या इसके अंदर, ठीक है। तभी मैंने इसका वायर जो अलग कर दिया। तभी जैसे कि आपको दिखा सकता हूँ, आप गौर से देख सकते हैं आप, जैसे कि जो लाइट तो हो गई है बंद, बढ़िया हो गई, बिलिंग होना शुरू हो गई है। अब ये बिलिंग किस वजह से होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी मैं वापस से आना है इधर फ्यूज बॉक्स में। तो यहाँ पर एक फ्यूज़ दिखेगा आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का 5 एम्पीयर का, तो हमें वो निकाल लेना है जिससे कि आपको पता लगेगा गाड़ी में प्रॉब्लम किस तरीके से है, ठीक है। तो अभी मैंने निकाल दिया फ्यूज़, और आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर लाइट जो है वो गई बंद, ठीक है। तो मैंने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का फ्यूज़ निकाल दिया है। तो अभी मैं एक बार काम करूँगा यहाँ पर जो दोबारा से आपको चेक कराने के लिए, यहाँ पर ये जो वायर है एक बार दोबारा से कनेक्ट कर लेता हूँ जिससे कि आपको पता लगे कि वोल्टेज कहाँ पर ड्रेन हो रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे लाइट आ चुकी है, मैंने अभी वायर लगा रखा है, मैंने निकाल दिया है, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर है, और जो ब्लिंग लाइट जो अभी हो रही थी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो अभी जो लाइट जो ब्लिंग हो रही है, इतना वोल्टेज तो कम से कम मीटर में रहता है, ठीक है। ये जो फ्लक्चुएशन है मीटर का है, तो ये कुछ देर बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, जबकि बैटरी का 12 वोल्ट इसके अंदर लगेगा जब, ठीक है, यानी कि बैटरी का वायर इसमें कनेक्ट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक ही 10 से 15 सेकंड या 20 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक ये वोल्टेज पूरा शट डाउन हो जाता है, ठीक है। तो ये जो इतना वोल्टेज तो नॉर्मल इसका जो मीटर है उसके अंदर रहता है, तो ऑटोमेटिक इग्निशन ऑफ करने के 20 सेकंड या 30 सेकंड बाद ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पर मैंने वायर निकाल रखा है, ठीक है। तो अभी मैं इसको लगा दूंगा तो वो जो ब्लिंक का सिस्टम है वो बंद हो जाएगा और ड्रेनिंग का सिस्टम शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं लगा दिया तो अभी ब्लिंक होना बंद हो गई और ड्रेनिंग शुरू हो गई, ठीक है। तो कार में कभी भी कोई भी एक्स्ट्रा एसेसरी लगाने से सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अभी किस तरीके से इसका जो गाड़ी का जो प्रॉब्लम है वो आप लोगों को बताया है और सॉल्व भी किस तरीके से किया है। तो आप इस तरीके से किसी भी गाड़ी का, ज़रूरी नहीं है टाटा की गाड़ी, कोई भी गाड़ी हो, आप इस तरीके से आप गाड़ी का बैटरी ड्रेनिंग का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और ड्रेनिंग करने का एक ही ज़्यादा से ज़्यादा फॉल्ट होता है, यहाँ पर एक तो मेजर सिस्टम हो गया, और कोई अदर एसेसरी जो कस्टमर लगवाते हैं बाहर से, तो उस एसेसरी में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि गाड़ी के साथ में जो एसेसरी आती है उसमें ये प्रॉब्लम बहुत ही कम आती है, जिससे कि बैटरी ड्रेनिंग का प्रॉब्लम जो आ सके, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।